हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में जानेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेट्स स्टार्ट विद। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है क्या? तो जब हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एनवायरमेंटल से जुड़ी जो भी इंजीनियरिंग होगी या फिर जो भी एनवायरमेंट से जुड़ी पढ़ाई होगी वो हम इसमें इस कोर्स में पढ़ते हैं। डेफिनेटली यही होता है। हम इसमें एनवायरमेंटल मतलब कि हमारे एनवायरमेंट, हम आस पास जैसे कि जमीन हो गया, पानी हो गया, हवा हो गया, इससे रिलेटेड फिर जियोलॉजी बायोलॉजी पढ़ोगे, साथ ही साथ आप वाटर के बारे में पढ़ोगे, वाटर ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, वाटर मैनेजमेंट कैसे होता है। मेनली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तो आपके 2-3 सेमेस्टर में होगा। और साथ ही साथ आप इसमें पॉल्यूशन के बारे में पढ़ोगे, हर एक टाइप के पॉल्यूशन और उसके क्योर कैसे हम करें। साथ ही साथ इसमें आपको कुछ एंटरप्रेन्योरशिप भी पढ़ाया जाता है और कंप्यूटर एप्लीकेशन जो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जरूरत है वो सब आपको इस कोर्स में पढ़ाया जाता है। और अगर आपको और अच्छे से जानना है कि इसमें इस कोर्स में आप मेनली क्या क्या पढ़ोगे तो आप एक बार इसके सिलेबस जरूर चेक करना, जिससे आप बहुत अच्छा आइडिया लग जाए जिसमें हमेशा बोलते आता हूँ। मजे की बात यह है कि ये इंडिया के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ अवेलेबल है, बाकी आपको हर जगह ये नहीं मिलती है। तो ये कौन कौन से कॉलेज में अवेलेबल है? ये आपको अवेलेबल है IIT मद्रास में, IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में, IIT कानपुर में, IIT रुड़की में, उसके बाद IIT में होता है IIT तिरुची हो गया, NIT सूरत हो गया, और IIT हैदराबाद, और DTU में भी आपको ये मिल जाएगा जो कि इंडिया के टॉप कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के लिए। तो ये मतलब कि ये जो ब्रांच है सिर्फ टॉप कॉलेजेस में मिलने अवेलेबल है, बाकी और भी कुछ प्राइवेट कॉलेज है आप सर्च कर सकते हो। ये मैंने जो बताया वो टॉप कॉलेजेस थे। तो इसके जॉब देख लेते हैं। इसके देखो इस जॉब्स अगर हम दूसरे ब्रांच कंपेयर करें तो डेफिनेटली थोड़े कम है, पर मैं जब जो जॉब बताऊंगा वो मतलब कि स्पेसिफिकली इस ब्रांच वालों को जो जॉब्स मिल सकती है उसको बताऊंगा। इसके अलावा आपको टेक में या फिर आपको कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको टेक में मिल सकता है। उसके अलावा और बहुत सारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स हैं और बहुत सारे हैं, वो सब जॉब जो नॉर्मली अप्लाई कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हो। उसके अलावा इस ब्रांच से स्पेसिफिकली जो जॉब प्रोफाइल्स वो है जैसे एयर क्वालिटी इंजीनियर हो गया, सेफ्टी डिजाइन मैनेजर हो गया, वेस्ट रिसोर्स मैनेजर हो गया, वैसे ही और भी बहुत सारे इसके जॉब्स होते हैं जो कि अच्छे खासे जॉब्स होते हैं। अगर हम इनके सैलरी की बात करें मतलब एवरेज एनुअल इनकम की बात करें तो वो है लगभग 4 लाख रुपए पर एनम, और अगर आप दूसरे ब्रांच की कंपेयर करो तो लगभग सेम है और या फिर हल्का सा कम है, पर लगभग ठीक ही ठाक है, अच्छा सा। तो अब आ जाते हैं कि आपको या किस टाइप की कंपनीज आपको जॉब दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपको मेनली जैसे कि सबसे मेन तो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के जो जॉब्स होते हैं वो इनमें आराम से दे रहे होते हैं। कुछ कंपनी के नाम बताता हूँ, जैसे कि आपका हो गया एक्वाटेक, नाल्को वाटर, एनवायरो कंट्रोल, ये सब कुछ कंपनीज हो गए जो कि आपको मेनली जॉब जरूरत है। और एक किस टाइप कंपनी होते हैं जैसे कि कुछ तो वाटर से रिलेटेड जो वाटर मैनेजमेंट होता है हो गया, एनवायरमेंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, ये सब मतलब सर्विस बेस्ड कंपनी है, एनवायरमेंट सर्विस बेस्ड कंपनी। जैसे कि ये क्या कर रहे होते हैं कि ये आपको रिसर्च करने देंगे, अगर आप कुछ रिसर्च करते हो और जो कुछ काम भी अगर बनाते हो तो वो गवर्नमेंट को पिच करते हैं ताकि उनको प्रोवाइड कर सके, और अगर गवर्नमेंट मान जाती है तो वो ये कंपनीज उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं जो भी टेक्नोलॉजी होती है उनके पास उसकी। सभी के अलावा आप बाकी सभी जैसे गवर्नमेंट हो गया, टेक फील्ड हो गया, इन सभी जगह भी आप जॉब ले सकते हो अगर आपके पास स्किल है। जॉब्स आपकी डिग्री से नहीं आपके स्किल्स के बेसिस मिलती है। डेफिनेटली डिग्री वहां पर देखा जाता है पर मेनली आपकी स्किल और एक्सपीरियंस के बेसिस में जॉब मिल रही होती है। तो और अगर आपको डिग्री लेना होता है तो आप जिस भी फील्ड में जॉब लेते हो उस फील्ड में डिप्लोमा भी कर सकते हो इसके बाद, ताकि आपको उस फील्ड में जॉब लेने में आसानी हो जाए। और गवर्नमेंट के साथ साथ कुछ NGOs हैं और मिनरल एक्सट्रैक्ट करती है मतलब जो माइनिंग कंपनीज होती है उनको भी एनवायरमेंटल इंजीनियर की जरूरत होती है, क्योंकि कुछ पॉलिसीज होती है उनकी गवर्नमेंट साथ, तो उनको भी एनवायरमेंटल इंजीनियर रखना पड़ता है। तो इसमें भी कुछ उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज हो जाती है। वो आते हैं कि फ्यूचर इसको क्या होगी इस एनवायरमेंट इंजीनियर की। तो फ्यूचर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसा नहीं कि गिर जाएगा, आज जैसा है वैसे फ्यूचर भी रहने वाला है। ये बैलेंस टाइप है मतलब इसका ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा कोई नीचे नहीं जा रहा, कॉन्स्टेंट है, मतलब कि ज्यादा हल्का से ऊपर जाएगा कोई एकदम ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। हल्के से जॉब्स थोड़े बढ़ने होंगे तो बढ़ेंगे, पर ऐसा नहीं कि गिरेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। और अगर हार्डनेस की बात करें तो क्या ये एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग हार्ड है? नहीं, हार्ड नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मतलब हर टाइप के लोगों को इसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होता है और समझने से आसान भी होता है, तो ये कोई हार्डनेस नहीं है। और गवर्नमेंट एग्जाम की पढ़ाई के लिए इसके ऐसा ब्रांच है इसमें सफिशियंट टाइम मिल रहा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड है और इसके आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती पड़ती है दिन में पढ़ाई के लिए, ऐसा नहीं है। आपको सफिशियंट टाइम मिल रहा होता है जिसमें आप अपनी गवर्नमेंट अगर निकालना चाहते हो उसकी पढ़ाई कर सकते हो, अगर आपको इंटरप्रीनियरशिप करना है तो आप वो भी साइड में कर सकते हो। तो आते हैं कंक्लूजन में। तो क्योंकि देखो ये मेनली आपको इंडिया के जो टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं इंजीनियरिंग के उस कॉलेज में ये मेनली अवेलेबल है, बाकी उतने खास जगह में अवेलेबल नहीं है, जो भी अवेलेबल है वो उतने खास कॉलेज नहीं है। तो जो ये मेरे जो टॉप कॉलेज है वो मतलब कि इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो अगर आपको वहां एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल रहा है, कंडीशन अप्लाइड है कि आपको दूसरा ब्रांच नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो अगर
अगर आपको दूसरे ब्रांच में मिल रहा है तो आप उसके लिए भी जा सकते हो, क्योंकि मान लो कि ये जो एनवायरमेंटल की जॉब्स हैं वो एक केमिकल इंजीनियर भी ले सकता है आराम से। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनवायरमेंटल की जॉब्स ले सकता है। मान लो आपको IIT भिलाई में मैकेनिकल मिल रहा है और IIT दिल्ली में आपको एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल रहा है, एनवायरमेंटल इंजीनियर के अलावा आपको दूसरे कोई ब्रांच नहीं मिल रहा, तो मैं बोलूंगा कि आप IIT दिल्ली के एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाओ, क्योंकि जो कॉलेज होते हैं IIT दिल्ली भी बहुत अच्छा कॉलेज, पर अभी वो नया कॉलेज, पर जो IIT दिल्ली है वो वेल एस्टेब्लिश कॉलेज है, वहाँ पर आपको मतलब जो माहौल होता है ना वहाँ का अलग होता है। तो मैं इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर इंजीनियरिंग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग मिल रहा है तो आप उसके जाओ, अगर आपको दूसरे ब्रांच मिल रहा है अगर इन टॉप कॉलेज में तो आप उसके लिए भी देख सकते हो, या फिर यहाँ इंजीनियरिंग फिजिक्स ले रहे हो ये अब आपके ऊपर है, क्योंकि जो यहाँ भी IIT से आप इंजीनियरिंग फिजिक्स भी अगर आपको कोडिंग आती है तो आपको टेक में जॉब्स मिल सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज भी बराबर ही हो जाती है लगभग, तो आप डेफिनेटली इस ब्रांच में जा सकते हो। पर अगर आपको फुल टाइम टेक फील्ड में ही रहना है तो आप डेफिनेटली CSE के लिए जाओ, और अगर इस ब्रांच में रहना है तो आप इस ब्रांच के लिए डेफिनेटली जा सकते हो, ब्रांच बहुत अच्छा है और मेनली जो टॉप कॉलेज है वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। तो अगर आपको एनवायरमेंटल मिल रही है IIT में और आपको मतलब कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आपको कौन सा ब्रांच जाना है कौन सा ब्रांच लेना है, तो आप डेफिनेटली इस ब्रांच को IIT में ले लो, ये मेरा कहना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आएगी, समझ आएगी तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, जो करना और बाकी चलो भी करना तो सब कर देना।